इन सब चारों राज्यों की जनता को, जनार्दन को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने अपने वोट का ठीक इस्तेमाल किया और ठीक अपनी चॉइस की है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का जो एक तरीका है, कार्य पद्धति है, बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर के पन्ना प्रमुख तक हम जो बनाते हैं उसका भी एक प्रभाव है। और अपने आप में केंद्र सरकार की नीतियाँ, प्रदेश सरकारों की जो नीतियाँ, जो उपलब्धियाँ, जो रूट लेवल पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसका भी जनता ने एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहचान दी है और उसको उसके प्रति उनके मन में जो सद्भावना जागी है कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें वो खूब अच्छे प्रकार से लोगों तक अपने बेनिफिट देते हैं और जितने भी बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, वो उमड़ करके आए हैं जो शायद पहले कभी वोट का महत्व भी नहीं समझते थे। अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी तो अच्छा डिलीवर करेंगी। तीन राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई है और ये केवल तीन प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। इसे मोदी फैक्टर मानेंगे या कोई और चेहरा भी मान सकते हैं? नहीं, देखिए सारों का मिला जुला प्रयास होता है लेकिन रहनुमाई तो मोदी जी कर रहे हैं तो इसलिए मोदी जी का ही कहा जाएगा। हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है और हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। पिछली बार आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीती थी और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर गई थी, तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आज जीती, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुछ प्रदेशों में जितनी उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं भी रहा है, तो ये मैं समझता हूँ आकलन का विषय रहेगा उन प्रदेशों में। लेकिन कुल मिलाकर जो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छी मेहनत करी हर प्रदेश में। कांग्रेस के जो सभी लोग थे उन्होंने अपने अपना प्रयास किया, कुछ प्रदेशों में अच्छा नतीजा भी रहा, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में, जहाँ नहीं भी रहा हम यही कहना चाहते हैं वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। देखिए हरियाणा के अंदर पिछली बार इन प्रदेशों में हम जीते थे प्रचंड बहुमत, लेकिन उसके बावजूद नतीजा कुछ और रहा था। तो हर प्रदेश का अलग अलग जो है मैं समझता हूँ फैसला रहता है और हर प्रदेश का चुनाव भी अलग अलग है, हर प्रदेश में अलग अलग, कई प्रदेशों में अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ। तो हरियाणा में निश्चित तौर से हरियाणा कोने कोने से एक आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है।